हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट आरओ। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस, स्पेशली वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। जहां पे कॉन्टैक्ट नहीं है, ब्लॉक सिचुएशन है, या फिर उनके दिल की बात कभी होटल पे नहीं आती, तो वो सिचुएशन में आखिर ऐसा क्या है जो चीज आपसे कहना चाहते हैं, क्या है उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स, और वो मैसेजेस के थ्रू क्या कहेंगे, जानने की कोशिश। Four of Cups, King of Cups, emotions काफी ज्यादा है, Knight of Pentacles, Nine of Swords, King of Wands, okay, King of Cups, Knight, King of Wands, Knight of Pentacles, और Page of Pentacles। तो फोर ऑफ वैंड्स इज द बॉटम डेक की एनर्जी है, और उसके पीछे है एट ऑफ सोर्ड्स। तो काफी हद तक ऐसे ना कि अपनी सिचुएशन में हैंग या बंधे हुए एनर्जी तो है, आपके बिना बिल्कुल कुछ नहीं है, एक खोने का एहसास, एक अपने ही धुन में रहने के एहसास बहुत ज्यादा है। उनको ऐसा लगता है ना कि कुछ हो नहीं सकता, पॉसिबिलिटीज ऑफ द सोल्यूशन बहुत कम है, लेकिन आपके लिए जो इमोशन और पैशन है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। ये बहुत ज्यादा ना एक डिसीजन पे श्योर होते हुए नजर आ रहे हैं, ना चाहते हुए भी ऐसे पाथ पे है जहां पे वो जो रास्ता ना हर रास्ता भगवान की तरफ जाता है, वैसे हर रास्ता आप ही की तरफ जाता है, ऐसा काइंड ऑफ फीलिंग है। जबकि वो रास्ता चूज नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि बहुत ऐसा लगता है ना कि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, बहुत ज्यादा दुख दिया है, तो या फिर आपके लिए कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले सकते, तो वो सोच के बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं ना, तो तभी ऐसा लगता है कि बस उस इंसान को और तकलीफ क्या दे। लेकिन अनजाने में से वो आपके रास्ते ना टकरा जाते हैं या टकराने वाले हैं, ऐसे काइंड ऑफ फीलिंग मुझे आ रही है। बहुत ही जल्द उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज कुछ तो आ सकता है, अपॉर्चुनिटी कुछ तो मैसेजेस, स्पेशली आपके सामने वो हाजिर हो सकते हैं विद अ गिफ्ट। वैसे काइंड ऑफ बहुत एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए तो स्पेसिफिक है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक, क्योंकि इनके इमोशंस लाइक ना दिल और दिमाग दोनों भी चीजें आपके तरफ है ना कॉन्सेंट्रेट हो रही है। इनका पैशन आपके लिए बहुत, इनका मतलब एक अजीब सा अट्रैक्शन है आपके लिए, वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो कहीं पे इमोशनल अटैचमेंट, एक मैग्नेटिक पुल, वो भी आप ही की तरफ है। रातों रातों को बहुत ज्यादा एक जागने की एनर्जी है, जहां पे बहुत ज्यादा एक पछतावा भी है, तो कहीं कहीं बहुत ज्यादा एक इमोशन भी हाई हो जाते हैं आपके लिए। अपनी दुनिया में सब कुछ होने के बावजूद भी वो आपको खोने का डर, या फिर आपको आपका नहीं होना ये एहसास को झुटला नहीं सकते, और इस चीज में बहुत ज्यादा लाइक डिस्टर्ब है। आपको मैनिफेस्ट बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांगली करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली करते हैं, क्योंकि इनकी इमोशनल एनर्जी काफी ज्यादा हद तक आपसे जुड़ी हुई है। दिखने में से ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपके लिए इतना कुछ सोचते हैं, खास करके दिल में प्यार जबा के बैठे हैं, लेकिन ये छुपाने में माहिर बहुत ज्यादा है। दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि कुछ चीजें इनके लाइफ में ऐसी हैं कि अगर ये सामने से दिखाएंगे तो स्पेशली अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन या कोई निगेटिव एनर्जी उनके ऊपर अटैक कर सकती है, और स्पेशली वो अटैक आपके ऊपर हो सकता है, इसलिए वो ज्यादा खामोश और दिखा नहीं रहे इमोशंस को। यहाँ पे स्ट्रांग चांसेस ऑफ यूनियन एंड रीयूनियन मुझे बहुत ज्यादा इसलिए दिख रहे हैं, क्योंकि खास करके आपके साथ एक इमेजिनेशन में भी और एक स्ट्रांगली कमिटेड रिलेशन में वो आना चाहते हैं। स्पेशली अगर शादी भी हुई है तो आपके लिए वो अभी बहुत अलग तरीके से फील कर पाते हैं, जब पहले ऐसा नहीं किया था। खास करके अपनी गलतियों का एहसास उनको बहुत ज्यादा परेशान करता है, डिसअपॉइंट करता है। ये आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, शादी चाहते हैं, कि वो खुशियां जो कभी आपके रिश्ते में थी वो अभी वापस पाना चाहते हैं। अगर नहीं भी स्टार्ट हुई है, स्टार्ट अगर रिश्ता नहीं भी हुआ है, मान लीजिए कि क्रश सिचुएशन है, अभी बात भी नहीं हो पा रही है ठीक से, या प्रपोजल भी नहीं हुआ, तो वो चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आए,
और वो अपनी इमोशंस का इजहार करे और आपको लिटरली शादी के लिए प्रपोज करे, ऐसा भी हो सकता है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आपसे बात करने के लिए बहुत बेताब है। योर्स ओनली, भले आपको दिखे नहीं, भले आपको बताया नहीं है, सब कुछ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या किसी भी, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट सिचुएशन चाहे जो भी हो, लेकिन ये हो ना हो आप ही से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आप ही के हैं। ऑब्सेस विद यू, एक ऑब्सेशन, एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत बहुत ज्यादा है आपके लिए। स्टॉकिंग यू, आपके ऊपर पूरी नजर है, क्या करे क्या नहीं करे, आपके प्रोफाइल भले कैसे भी प्रोफाइल से हो या कहीं से भी, आपके ऊपर नजर बिल्कुल है। आई एम हेटिंग माई सेल्फ टू लीव यू, आपको खोने का डर, आपको खो चुके हैं या आपको छोड़ा है, इस बात का उनको बहुत बहुत गिल्ट है। सिचुएशन उनके फेवर में नहीं है इसलिए रुके हुए हैं। बहुत ज्यादा सोच समझ के आने का डिसीजन शुरू है। डू यू स्टिल लव मी, क्योंकि आपकी एनर्जी नहीं मिल पा रही है, आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है, तो वो सोच रहे काफी हद तक कि क्या सच में अभी भी आप उनका इंतजार कर रहे हो, आप उनसे प्यार करते हो, क्योंकि जिस तरह से अभी आपने एकदम इग्नोर मारा है ना, वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। लास्ट कार्ड रियूनियन, तो मैंने कहा ना एक स्ट्रांगली रियूनियन की वाइब्स इस एनर्जी में है कि जुड़ना चाहता है आपसे, कोई कुछ दिल की बातें कहनी है, कुछ सुननी है, भले वो गिल्टी सही इजहार करना है, कन्फेस करना है, और स्ट्रांगली आपसे यूनाइट होना चाहते हैं। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।